सयो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो आदिराजा पिजियन फार्म। आज हमें मिलने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर आने वाले हैं। यूट्यूब के माध्यम से जो है हम दोनों मिले हुए थे और भैया ने मुझे कमेंट की थी कि आपके साथ मिलना है और आपके कबूतरों के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना है। तो अभी शाम का टाइम है, हमारे सारे कबूतर जो है लॉफ्ट में अंदर ही है, क्योंकि भैया आएंगे तब हम कबूतरों को बाहर निकालेंगे। तो जब भैया आते हैं तब वीडियो कंटिन्यू करेंगे, वीडियो में बने रहना। भाई आ चुके हैं, नीचे खड़े हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो में बने रहना। मेरा भाई जो है उसको लेने के लिए गया हुआ था, दोनों साथ में आ रहे हैं। अरे आजी भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत भाई आए हैं 65 किलोमीटर दूर से, सावन से। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। अरे यार बस नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से यार देरी हो गई बस में, क्योंकि मैं गाड़ी लेके नहीं आया, बस में आया। प्लीज चल आपको मिलने के, आपके कबूतर देखे मेरे को बहुत अच्छे लगे, उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से कबूतर आपको दिखाए जाएंगे। भैया की भी चैनल है कमलेश मकवाना व्लॉग करके, डेली वीडियो नाचते अपने चैनल पे। आप चाहे तो भैया को भी सब्सक्राइब कर लो। गुजराती में वीडियो बनाता हूँ भाई जो है, भैया जो है गुजराती में वीडियो बनाते हैं। तो भैया के भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, कमलेश मकवाना व्लॉग करके डेली वीडियो मुकते अपने चैनल पे। अभी जो है तो भैया को हम सारे आपके वीडियो देखे ना तो मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो उसके हिसाब से मैंने तो मुझे लगा कि मैंने भाई के पास बहुत बढ़िया बढ़िया कबूतर है। मैं भी एक शौकीन हूँ, लेकिन मैं क्या है कि कबूतर का मेरा जो चैनल है ना वो ब्लॉग का है, तो उसके हिसाब से मैं उसमें वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो अभी मैं गुजराती व्लॉग डाल रहा हूँ उसमें, तो मुझे पता चला कि मेरे पास भी कबूतर थे, लेकिन मैं अभी भाड़े के मकान पे दूर रहता हूँ, मेरे गाँव से भी दूर रहता हूँ, थोड़ा दूर रहता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं कबूतर नहीं रख रहा हूँ। क्या है भैया का, हमारा हम दोनों का कांटेक्ट जो है, हमारे मेरा वीडियो देखा था, वीडियो में कमेंट में बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद जो है भैया मेरे से मिलने के लिए आए हैं बहुत दूर से। तो अभी जो है भैया को कबूतर के बारे में सारी बहुत जानकारी देंगे हम आज की वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। कमलेश भाई इस साइड हमने ऐसा ने उड़ान वाला कबूतर रखे है, उड़ान वाला और फैंसी कबूतर है, और उस साइड जो है हमारे पास फैंसी रखा है, क्योंकि इन दोनों को साथ में रखते तो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। खास में वही कबूतर देखने के लिए आए, क्योंकि मुझे लगा मैंने ऐसे कबूतर नहीं देखे जो आपके पास जो दो तीन ऐसे कबूतर भी है, तो तोते जैसे दूर का लगा, मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे पास आउट एरिया के कबूतर सारे कबूतर है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो सारा कबूतर जो है वो अमेरिकन कबूतर है, और वो पोपट वाला है, वो अफ्रीकन है, और इंडियन वाले है, इंडियन मेंटल है। सारे कबूतर आपको दिखाएंगे और सारी माइंड आज की वीडियो में देंगे हम। जो इधर जैसे तरीके से आप रख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हम तो क्या है कि भाई पेड़ पे छोटा सा पेटी लटका देते हैं तो यार क्या कुत्ते खा जाते हैं, सब आता है, सब खा जाते हैं, सब जानवर ऐसा। इस साइड जो है मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है जैसे कबूतर के लिए, क्योंकि इसमें जो है मैं कम से काम से चला जाता हूँ, तो इसमें दाना पानी डाल के ब्लॉक बंद करके भी चला जाता हूँ। और आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा कबूतर है। ये मेरा पुराना पिजियन है कमलेश भाई, 17 साल से हमारे पास है, आप देख सकते हो 17 साल से मेरा पास है पिजियन। इतने साल से कबूतर का शौक? मेरा शौक तो 18 साल से, अभी मेरी उम्र जो है 22 साल की है। मैं 3 साल तक 10 साल का था तब से मेरे को शौक है। इसकी आइस देख लो, ऑरेंज आइस का है, और इसके पैर भी रिंग भी है, और ये अभी भी अंडे बच्चे कर रहा है हमारे यहाँ। इसको छोड़ के दिखा दूँ, ये है अमेरिकन फैंटल है, आपको मैंने जो बताया था पीछे से मोर जैसे ही दिखते हैं, मोर जैसे। आप इसको भी छोड़ के दिखा दूँ, सारे कबूतर आपके जो लोग पालते हैं ना उससे बहुत अलग है आपके पास, क्योंकि मैं जो हूँ कबूतर को कभी भी हाथ में नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कबूतर आप देखो कितने कितने हेल्दी और चौके एकदम क्लीन है, बड़े भी है, क्योंकि मैं अपने कबूतरों को कभी भी छूता नहीं हूँ, देख सकते हो पूरा व्हाइट है, पूरा व्हाइट। और मैंने जो इसको हाथ में लिया तो थोड़ा बहुत डर रहा है, क्योंकि मैं कभी भी इसको छूता नहीं हूँ, आप देख सकते हो। यह फैंसी कबूतर है कमलेश भाई,
पूरा व्हाइट एयर में मुझे भी इसके सर के ऊपर कैप भी है, इसको भी छोड़ के दिखाता हूँ। अभी क्या है, गर्मी की सीजन आती है तो मैं उड़ान के लिए तैयार कर रहा हूँ। पास एक जो धोखे जैसा एक जो है अफ्रीकन ऐसा कुछ आप बोल रहे थे, आपका वीडियो मैंने पूरा देखा था, मुझे अच्छा लगा। वो कबूतर देखने के लिए मैंने 75 किलोमीटर इधर दूर आया आपसे वही देखने के लिए। वो कबूतर जो अभी बाहर है देख सकते हो, टाई वाला वो अफ्रीकन कबूतर है, वो भी बाहर है, उसको भी हम हाथ में लेकर दिखाएंगे आपको भी और ऑडियंस को भी। भाई साहब बहुत बहुत बढ़िया, एक नंबर कबूतर है, वही देखने के लिए मैं इधर आया। और मुझे ऐसा इसका लगा क्या है, कोई भी पशु पंखी आप रखते हो तो इनको दो बार दिन में दाना पानी कराओ, और आप जहाँ पर भी रखते हो मेरे यहाँ देखो पूरे क्लीन है, छत भी क्लीन है और लॉक भी है, बिल्कुल क्लीन रखा है ताकि हमारे कबूतर जो है बीमारी में ना आए, ऐसा सब कुछ है। और उस साइड भी आपको देखा जो मेंटल रखे है अमेरिका, आपके पास वो कैंटल कबूतर कितने है? नौ कैंटल है मेरे पास, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस अभी कैंटल पे है, देख सकते हो। इसमें भी मेरे पास बहुत ज्यादा कलर है, देख सकते हो, ये व्हाइट और ग्रे में है पूरा। इसको भी इधर खोल के आपने कहाँ कहाँ से यार जो कबूतर इकट्ठा किए यार कहाँ से, बहुत ऐसा लगा कि सबके पास होता है वो होता ही है, कबूतर तो कबूतर ही होता है, लेकिन आपके पास जो कबूतर देख रहा हूँ ना यार सब अलग अलग दिख रहे हैं मुझे सब, यानी ऐसी वैरायटी कहीं पे भी नहीं दिखाई। अभी कमलेश भाई मेरा ज्यादा फोकस जो है पेंटल पे रखा है, क्योंकि मेरे को जो है ये बचपन से शौक था इस पेंटल का। अभी ये बच्चा भी हुआ है, चीक भी हुआ है हमारे पास, बच्चा है अभी खुद से दाना पानी करना सीख लिया इस बच्चे ने, देख सकते हो पूरा व्हाइट है, अमेरिकन पेंटल नाम रखा है इसका। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरे पास जो है सारे मिक्स कलर में रखे हैं, एक सिंगल कलर का नहीं है, सारे दो कलर के ही रखे हैं, क्योंकि मुझे दो कलर के पेंटल जो है बहुत पसंद है। यह पूरी पेयर है अमेरिकन पेंटल की, बहुत बढ़िया भाई। जो भी मैं इधर आया मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई भाई से मिलना चाहिए, और आपके जो कबूतर मैंने देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वीडियो आपके हर रोज देखता हूँ, और मेरा भी एक छोटा सा चैनल है जैसा मैंने आपको बोला था, मैं उसमें से मैंने कांटेक्ट किया, तो उसमें मेरा क्या है कि कांटेक्ट किया, मुझे भी इसका शौक बहुत है, कबूतर का शौक वैसे तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं इधर जहाँ पर रहता हूँ ना वहाँ पर भाड़े पर रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं कुछ रख नहीं पाता। लेकिन अभी सोचा है तो वहाँ पे भी मैं कबूतर रखूँगा, तो अभी देखते हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई कमलेश भाई आप मुझे मिलने के लिए यहाँ तक आए, अरे भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी जो है हमने चैनल की शुरुआत ही की है, हो जाएगा जैसे कि मेरा अभी 13 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, तो क्या है कि उसमें भी मेरा पूरा सपोर्ट है मेरी फैमिली का, जैसे कि मेरी यूट्यूब फैमिली है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसका भी सपोर्ट है, मेरा घर मेरा जो फैमिली है उसका भी सपोर्ट है। तो खास करके मैं आपके इधर कबूतर देखने के लिए आया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मैंने जो 15-17 साल से जो कबूतर पे वो कर रहा है कि भाई सर ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, आपका कबूतर जो देखा ना सब अलग अलग है, मैंने देखा सब अलग अलग है, ऐसी वेरायटी कहीं पर भी मिलेगी नहीं, और ऐसी सेवादार भी कोई नहीं करता, जो भी पालता है वो भी भाई चलो ऐसा उड़ा देता है। क्या है आपको सब माला सारा ज्यादा फोकस है कबूतर पे है, मैं धोप भी कर रहा हूँ, पर साइड में मुझे यह शौक है बचपन से, इसलिए मैं इसको जो है बहुत अच्छे मिक्स में दाना पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि जो है दाना पानी अच्छे तरीके से करेंगे तो उसके बच्चे भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। और आपको दिखाता हूँ अभी कुछ कुछ नए कबूतर भी है, सारा कबूतर जो इधर आके दाना पानी करते हैं, साथ में ही दाना पानी करते हैं। उसका प्लेटफॉर्म भी बहुत बढ़िया बनाया है, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि भाई छोटा सा ऐसा रखने लगे होता है उतारते छत के नीचे ऊपर, आपको क्या कि उधर कोई टेंशन ही ना हो ऐसा आपने स्पेशल रूम बनाया है। अभी जो है बढ़िया इससे भी बड़ा करने वाला हूँ, ये जो लॉक पे है इसमें रखने वाला हूँ, ताकि जो है नहीं रहता हूँ अपने काम से, तो उसमें क्या है दाना पानी रख देते हैं तो भी चलेगा इस कबूतरों को।
क्या कमलेश साहब इस कबूतर की बात कर रहे थे? इसकी बात खास करके मैं इस कबूतर को देखने के लिए इधर आयो 75 किलोमीटर। तो आप भी एक बार आओ जरूर, बढ़िया सा भाई, बहुत बढ़िया सा ये कबूतर है। आप देख सकते हो इसकी चोंच मेरे को बहुत पसंद है कि भाई तोते जैसा कबूतर है और टाइप भी है इसमें और बहुत बढ़िया सा कबूतर है और इसका कलर मेरे को बहुत पसंद आया भाई। 73 जैसा है, 73 पक्षी जैसा है, पूरा एंटिक कलर है इसका। पूरा ऐसा कलर कहीं पे भी ज्यादातर दिखने के लिए नहीं मिलता है। मैंने जब देखा तो मुझे भी ऐसा लगा, इतनी छोटी सी है। मैंने जब देखा तो मुझे भी ऐसा लगा था या पोपा तोता है या कबूतर है। नहीं, बहुत बढ़िया वो कहीं पे भी नहीं मिलते मुझे ऐसा पता। उसकी वजह तो भाई 75 किलोमीटर कहाँ से, वरना कोई ऐसा वैसा नहीं आता है। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे मिलने के लिए यहाँ तक आए। और क्या है, लॉक में अंडे बच्चे भी बहुत हुए हैं कमलेश भाई। और अभी जो है गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में मैं जो है अपने कबूतरों, घर के कबूतरों के बच्चे को भी ट्रेंड कर रहा हूँ उड़ान के लिए। देख सकते हो अभी सारे कबूतर हमने बाहर निकाल लिए हैं और अभी शाम हो गई है, तो अभी सारे कबूतरों को हम लॉक में अंदर कर देंगे थोड़ी देर बाद। एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि भाई आपको देख के मेरे अंदर भी एक भाई एक ऐसा जागा कि भाई मैं फिर से कबूतर पालूँ। तो मैं आपके पास से, मैं इधर आया हूँ 75 किलोमीटर दूर, तो क्या आप मुझे कबूतर बेच सकते हो? बेच तो नहीं सकता, पर फिर मैं ऐसे अरे भाई तक एक भी कबूतर जो है बेचा नहीं है। मेरे को क्या है, मैं जिस कहाँ पर भी जाता हूँ मेरे को कबूतर जो है समझ में आ जाए और पसंद आ जाता है तो मैं खरीद लेता हूँ। पर मैं अपने यहाँ से जो कुछ भी एक भी कबूतर जो है बेचता नहीं हूँ, फिर मैं किसी और को जिसको भी शौक हो उसको दे देता हूँ। अभी तक मैंने एक भी कबूतर जो है बेचा नहीं है। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि आदि भाई ने जो भी बोला भाई, मेरे को दिल को बंदा भी बहुत यार अच्छा लगा। और ऐसे आप इसके चैनल में भी देख सकते हो, हर रोज वीडियो डालते हैं। तो प्लीज़ भाई इसको उसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो भाई को और सपोर्ट करो ऐसा बंदा। और जो भी अभी मैं 75 किलोमीटर दूर से आया हूँ तो उसने क्या बोला भाई, आओ कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब कुछ। आप देखते हैं खाना पीना सब। अभी कबूतर को भी देखा तो उसने बोला कि भाई मैं ऐसे ही दे दूंगा, मैं आया था लेने के लिए या देखने के लिए। और कबूतर सोचा कि भाई अच्छा होगा तो ले लूँगा, लेकिन इधर देखा तो ऐसा कबूतर मेरे को कहीं भी देखने के लिए मिला नहीं। तो भाई आज मैं भाई ने बोला है तो मुझे कबूतर गिफ्ट करेंगे तो मैं कबूतर लेके जाऊँगा। कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ मैं कौन से कबूतर जो है भाई को गिफ्ट करने वाला हूँ। फीमेल है, बाजरी फीमेल, और मेल है पूरा व्हाइट में, दोनों रोलर भाई, एक नंबर कबूतर आपने निकाले। दोनों कबूतर आप अपनी जान बेच रहे हो ऐसा मेरे को लगा, दे रहे हो मुझे। आप रख सकते हो कबूतर, पर आपको शौक चला जाए बाद में मेरे को रिटर्न कर देना। क्या है मैं किसी को कभी कबूतर देता हूँ तो उसको बोल के रखता हूँ कि आपको शौक घट जाए तब मेरे को रिटर्न कर देना कबूतर। क्या है, मैं किसी को भी कबूतर ऐसे नहीं दे रहा हूँ, पर आपने बोला कि आपको चाहिए तो मैंने ऐसा समझ लिया कि आप मेरे ही हो अपने। तो चलो भाई इसको मैं ले जाऊँगा अभी, तो इसमें कैसे लेके जाऊँ आपके पास? इस कबूतर को मैं जो है आपको एक पेटी में पैक करके दूंगा कमलेश भाई, इसमें इस पेटी में, ताकि आपको जो है ले जाने में दिक्कत ना हो, इसको इस पेटी में पैक करके ही दूंगा। अरे भाई 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 चलो कोई बात नहीं भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार। अभी आएंगे, देखता हूँ टाइम मिलता है, टाइम मिला था आपको कबूतर, संडे था तो सोचा कि भाई चलो भाई को मिलने जाते हैं और भाई के कबूतर देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो चलो भाई मैं अभी इसको लेके जाता हूँ, बाद में मिलते हैं, आते हैं, तुम भी आओ कभी उस साइड घूमने के। कोई बात नहीं, कबूतर के बारे में कभी आपको कुछ भी जानना हो तो मेरे को कॉल पे बता देना, मैं सारी जानकारी दूंगा। ओके भाई चलो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर से मेरे को मिलने के लिए आए। तो भाई को सब्सक्राइब कर लें भाई, भूलना मत भाई, दिल का बहुत अच्छा है, उसके कबूतर भी बहुत बढ़िया है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी होगा, तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना और भाई को भी सब्सक्राइब। चलो भाई मैं चलता हूँ अभी कबूतर लेके जा रहा हूँ। तो चलो भाई अभी मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं।
ये थी मित्रों आज की वीडियो। मुझे यूट्यूब के माध्यम से कोई पहचान रहा है अभी जो है। हम मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आगे और भी सपोर्ट करना मित्रों। आज कमलेश भाई मिलने के लिए आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे यूट्यूब के माध्यम से जो एक मित्र मेरे को मिलने के लिए आया था। तो गाइज आप भी मेरे से कमेंट में बात कर सकते हो, कबूतर के रिलेटेड कोई भी बातचीत हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं हर एक को रिप्लाई दूंगा। और यह थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नए हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।